हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई एन अंत पर। और आज हम क्लास 7 की ज्योग्राफी में चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। तो जैसा कि इस नाम से हमको क्लियर हो जाता है कि हम हमारी अर्थ के इनसाइड में जो जो चीज़ें उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली लाइन में हमको बताते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हमारा जो हमारा होमलैंड है वो क्या है, एक डायनेमिक प्लैनेट है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील। मतलब हमारी जो अर्थ है ना, उसमें कंटिन्यूअसली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अर्थ के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, अर्थ के बाहर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अर्थ के बाहर जो चेंजेस है उसमें एग्जांपल में आपको मैं बता सकता हूँ, हमारा जो एटमोसफेयर है वो कंटिन्यूअसली उसमें तरह तरह के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। पॉल्यूशन हो रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज। ठीक है, पानी गिरने लगा, मौसम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारा जो अर्थ है ना, उसको हमने डायनेमिक प्लैनेट बोला है। ठीक है, और अगर हम अर्थ के अंदर की बात करें, इनसाइड की बात करें, तो हमारी अर्थ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो अलग अलग लेयर्स होती हैं हमारी सॉइल की, वो मूव करती रहती हैं, जिसके कारण भूकंप वगैरह आ जाता है। तो इसलिए हमने हमारी अर्थ को डायनेमिक प्लैनेट बोला है। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कि कैसा है हमारी अर्थ का इंटीरियर, इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि एक प्याज को जब आप काटते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, उसी प्रकार हमारी अर्थ के अंदर भी कुछ लेयर्स हैं, एक के बाद एक जो आती हैं। तो उनमें सबसे पहले जो लेयर हमको यहाँ पे बताते हैं वो है हमारी अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है जिस पे हम लोग हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, जिस जगह पे हम लोग अपना घर बना रहे हैं, स्कूल बनते हैं, सब बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, जहाँ पे आज हम रह रहे हैं, उसको अर्थ की जिस लेयर का नाम हमने दिया वो है हमारी क्रस्ट। और ये जो होती है, ये सभी लेयर्स में से सबसे पतली लेयर होती है। मतलब इसकी जो थिकनेस है वो है 35 किलोमीटर। मतलब आज आप जिस जमीन पे खड़े हैं, अगर आप वहां से 35 किलोमीटर तक गहराई सॉरी 35 किलोमीटर तक अगर आप ड्रिल करेंगे, गड्ढा करेंगे जमीन में, तो आप क्रस्ट तक ही पहुंचेंगे। ठीक है, 35 किलोमीटर के बाद फिर दूसरी चीज शुरू हो जाएगी, जो दूसरी लेयर होती है जिसको मेंटल बोला जाता है। तो 35 किलोमीटर तक आपको क्रस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन एक चीज और बताइए कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वही 35 किलोमीटर तक है, मतलब जो जमीन वाला हिस्सा है। बट यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा समुद्र के अंदर जो हमारा जमीन होती है ना, समुद्र के अंदर अगर आप वहां से खुदाई करेंगे तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही आपको क्रस्ट देखने को मिलेगी। मतलब शॉर्ट में मैं बताता हूँ, जमीन से अगर नापे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां से अगर हमारी क्रस्ट की थिकनेस को नापें तो वो 35 किलोमीटर है। लेकिन अगर ओशन से जाके, ओशन के समंदर में भी नीचे जाके, बिल्कुल पानी के अंदर जाके, और जब अपन समंदर की सतह पे पहुंच जाते हैं ना, सी बेड पे, वहां से अगर हम खुदाई करें तो 5 किलोमीटर तक हमको क्या देखने को मिलेगी, अर्थ की क्रस्ट देखने को मिलेगी। तो कॉन्टिनेंटल मासेस पे क्रस्ट का जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर है, और ओशन के बेड से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारी कॉन्टिनेंटल मास के, वो हैं सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, और इसलिए हमारी जो कॉन्टिनेंटल मास है और जो हमारी क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में जो हमारी क्रस्ट है उसको हमने सियाल का नाम दिया है। सियाल मतलब सी फॉर सिलिका एंड AL से हमारा बनता है एल्यूमिना। ठीक है, एंड द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। लेकिन अगर हम समंदर के अंदर जो जमीन है वहां से जो हमारी अर्थ का क्रस्ट का हिस्सा होता है उसको अगर हम देखें तो उसमें दो चीजें मिलती हैं, एक मिलती है सिलिका, सिलिका जो कि हमारे को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हिस्से में भी मिली है, लेकिन वहां पे एल्यूमिना की जगह क्या मिलेगा समंदर वाली क्रस्ट में आपको, मैग्नीशियम। तो इसका नाम हमने दे दिया है सीमा। ठीक है, SI से सिलिका एंड MA से मैग्नीशियम। तो ये हमने जाना हमारी क्रस्ट के बारे में, जो हमारी अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो सरफेस लेयर होती है। और फिर आगे बताते हैं कि क्रस्ट के जस्ट नीचे जो हमारा पार्ट है जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब शुरू के 35 किलोमीटर तक तो आपको क्रस्ट देखने को मिलती है, 35 किलोमीटर के बाद से आपको 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो अर्थ की जो लेयर है उसका नाम हमने यहाँ पे दिया है मेंटल। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे डू यू नो वाले सेक्शन में हमको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। यहाँ पे बताते हैं कि जो आज तक की सबसे गहरी खदान है, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, जो कि कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, और ये बताते हैं कि वो कितनी गहरी है, वो है 4 किलोमीटर डीप। मतलब 4 किलोमीटर तक वहां पे हमने ड्रिल कर चुका है, गड्ढा कर चुका है हमारी अर्थ की क्रस्ट पे। ठीक है, तो माइन तो हमने जो खोदी सबसे गहरी वो है 4 किलोमीटर तक, लेकिन इंजीनियर्स ने तेल को सर्च करने के लिए, ऑयल को निकालने के लिए हमारी अर्थ से तो 6 किलोमीटर तक का भी गड्ढा कर दिया है।
फिर बताते हैं कि अगर आपको अर्थ के सेंटर तक जाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी बोलते हैं अगर आपको जाना है तो यू विल हैव टू डिग अ होल 6,000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। मतलब ओशन के भी फ्लोर से जाके आप 6,000 किलोमीटर तक जब गड्ढा करेंगे तब जाके आप पहुंचेंगे हमारी अर्थ के सेंटर में, बिल्कुल हमारी अर्थ के सेंटर में, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो अभी हमने मेंटल के बारे में भी देख लिया कि 2900 किलोमीटर तक क्रस्ट के बाद, 35 किलोमीटर के बाद से 2900 किलोमीटर तक की जो लेयर है हमारी अर्थ के अंदर की, उसको मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो इनर मोस्ट लेयर है हमारी, उसको हमने नाम दिया कोर, और जिसकी एंड विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी रेडियस बताते हैं 3500 किलोमीटर की। एंड ये जो है हमारी निकेल और आयरन से बनी हुई है हमारी अर्थ की कोर, इसलिए कभी कभी इसको नाइफ भी बोला करते हैं। नाइफ मतलब Ni से निकल एंड Fe से फेरस। ये निकल, फेरस, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है। एंड द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे बताते हैं कि हमारी कोर, कोर का जो बिल्कुल सेंट्रल वाली जो कोर है, बीचों बीच में जो कोर है हमारी अर्थ के सबसे सेंटर में, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसका प्रेशर मतलब वहां पे जो दबाव होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने सूरज के बारे में सुना ही है, हमारा जो सूरज है ना, अगर आप सूरज के सरफेस पे चला जाए तो जितनी टेम्परेचर आपको सूरज के सरफेस पे मिलेगी ना, वो आपको आपकी अर्थ की कोर के अंदर मिलेगी। अराउंड 5,000 के आसपास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है। मतलब सूरज का जो सतह है ना, सूरज की जो सतह है और हमारी अर्थ का जो कोर वाला हिस्सा बिल्कुल अर्थ के बीच में, उन दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम है। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है, याद रख सकते हैं आप। और यहाँ पे डू यू नो वाले सेक्शन में फिर बोलते हैं कि जो हमारी क्रस्ट है, वो जो हमारी अर्थ की जो वॉल्यूम है, मतलब हमारी अर्थ जितनी भी चीजों में बनी है, तो 1% सिर्फ हमारी क्रस्ट है, और 84% जो हमारा मेंटल वाला पोर्शन है, और 15% है हमारी कोर। मतलब जिस एरिया में हम रहते हैं है ना, वो सिर्फ 1% का एरिया है हमारी अर्थ का, ठीक है। बाकी 84% तो अंदर दबा हुआ है, जिसको हम मेंटल वाली लेयर बोलते हैं, ठीक है, और 15% में हमारी अर्थ की कोर है। और यहाँ पे हमारी अर्थ का रेडियस बताया गया है 6,371 किलोमीटर। आपने देखा होगा अगर आप अर्थ की पिक्चर देखेंगे तो वो सर्कल की तरह दिखती है, और सर्कल की क्या होती है, रेडियस होती है ना, इसलिए अर्थ की रेडियस हमको यहाँ पे बता दी गई है। लेकिन हमारी अर्थ सर्कल नहीं है, हमारी अर्थ एक जियोइड है। जियोइड मीन्स जो कंप्लीट सर्कल ना हो, है ना, उसको हमने जियोइड बोला है यहाँ पे। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे ये जो ग्लो कर रहा है, सबसे चमकीला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये हमारी अर्थ का सबसे भीतरी वाला हिस्सा है, सेंटर का हिस्सा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। और कोर में भी दो हिस्से होते हैं, जो सबसे अंदर की कोर होती है ना, उसको बोलते हैं इनर कोर, जो कि सॉलिड है। उसके बाहर ही जो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, हल्का पीला कर दिया जिसको, ये हमारी आउटर कोर है। और उसके बाद ये जितना भी रेड पोर्शन दिख रहा है, लाइट रेड, डार्क रेड, ये पूरा पोर्शन हमारा मेंटल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब आप समझ जाते हैं कि हमारी कोर कैसी दिखती है अंदर से, ठीक है। ये हमारी कोर है, ये कोर के बाहर का थोड़ा हिस्सा है, इतना बड़ा जो पूरा हिस्सा है, ये हमारा मेंटल वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब हम रॉक्स और मिनरल्स के बारे में जानते हैं। आपको पता है हमारी अर्थ पे तरह तरह की रॉक्स देखने को मिलती है, पत्थर, चट्टाने, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है ना, वो तरह तरह की रॉक्स से मिलकर बनी है। मतलब हमारी क्रस्ट मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है पृथ्वी पर, उसमें तरह तरह की आपको रॉक्स, चट्टाने देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड जो भी नेचुरल मास है हमारे मिनरल का, जैसे कि जो हमारी अर्थ के क्रस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो बनाता है, वो क्या है, वो पूरा रॉक रॉक है, वो सारी क्या है, रॉक्स है। और रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक अलग अलग रंग की आपको चट्टाने देखने को मिलेंगी, उनका साइज अलग होगा, छोटी बड़ी, टेक्सचर अलग होगा उनका, ठीक है। एंड यहाँ पे बताते हैं कि तीन तरह की रॉक्स होती हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले होती है इग्नियस रॉक्स, उसके बाद आती है सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड देन एट द लास्ट वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इन तीनों तरह की रॉक्स को, इन तीनों तरह की चट्टानों के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोगों को इग्नियस रॉक्स के बारे में डेफिनेशन दी गई है। और यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक्स, दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस
रॉक्स, ठीक है। कहते हैं कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ, हमारे जो पिघले पिघले जो रॉक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब वो बाहर आ जाता है तो हम उनको बोलते हैं ना लावा, बोलते हैं हम लावा। जब ज्वालामुखी ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से आग जैसा बिल्कुल लिक्विड बहता हुआ आता है, वो क्या है, वो हमारा लावा है ना। अगर वो लावा हमारी अर्थ के जब अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, एक ही चीज है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो मोल्टन फॉर्म में है, और जब वो हमारी अर्थ के बाहर निकल आता है, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, ठोस हो जाता है ना, कड़क हो जाता है। और फिर वो जिस तरह की रॉक्स वहां पे बनती है ना, उनको बोला गया इग्नियस रॉक्स। और इन रॉक्स को हमने प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। एंड ये जो रॉक्स है ये दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जब हमारा ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल के आता है, जो मैग्मा होता है बाहर निकल के आता है, पिघला पिघला आता है शुरू में, फिर वो सूख जाता है, कड़क हो जाता है, रॉक्स बना देता है, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े पीस बनने लगते हैं सूखने के बाद, इग्नियस रॉक्स होते हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक इंट्रूसिव रॉक्स होती है, एक एक्सट्रूसिव। अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा लावा जब बाहर निकलता है, लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा, मतलब जो हमारा पिघला हुआ जो मैग्मा है उसी को हमने लावा बोला है। वो बिल्कुल धधकता हुआ लाल कलर का ये मैग्मा होता है, बिल्कुल आग की तरह बहती हुई आग है, समझ लीजिए, ठीक है। और जब ये हमारे अर्थ के इंटीरियर में से बाहर आती है, अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वही बताया है। एंड व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड, और ये क्या हो जाती है, सूख जाती है। बाहर आने के बाद क्या होती है, ये ठंडी होकर सूख जाती है, जो हमारा लावा है सूख जाता है। और इसके बाद जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरह की रॉक्स को हमने बोला है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर लावा ज्वालामुखी से बाहर निकला और अगर हमारी अर्थ के सरफेस पे लावा आके सूखता है तो वो जो रॉक्स बनेगी उसको एक्सट्रूसिव बोलेंगे, क्योंकि वो लावा अर्थ के बाहर आके सूखा है, ठीक है। और अगर वो लावा अर्थ के अंदर ही कहीं किसी हिस्से में सूख जाए, जमीन के अंदर ही, तो वहां जमीन के अंदर भी रॉक्स बन जाएंगी, और उन रॉक्स को हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, जो अभी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि इसका एग्जाम्पल बताया, जो हमारी एक्सट्रूसिव रॉक्स है ना, जो बाहर आके रॉक बनी है, ठीक है, जो लावा बाहर आके सूखता है, उसमें जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट, ठीक है, ये उसका नाम होता है। और हमारे इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है उसमें जितनी भी रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी, डेक्कन प्लेटू मतलब जो एक बहुत बड़ा प्लेटू वाला एरिया है जिसका नाम दिया है डेक्कन, तो उसमें सारी रॉक्स आपको जो देखने को मिलेंगी उनको बोलते हैं बेसाल्ट रॉक्स। एंड यहाँ पे बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो मैग्मा कूल हो जाता है हमारी अर्थ के अंदर ही, बाहर ही नहीं निकल पाता, ज्वालामुखी से बाहर नहीं आ पाया लावा, और हमारी अर्थ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे जमीन के अंदर है ना, कुछ किलोमीटर मीटर या हजारों किलोमीटर की दूरी पे ही मान लो वो लावा वहीं पे सूख गया अगर, तो वहां पे भी सूखने के बाद वो कड़क हो जाएगा लावा, जो हमारा मैग्मा है, जो हमारा लावा है वो कड़क हो जाएगा, है ना। और उसके बाद नीचे जमीन के अंदर ही वो ना रॉक्स का फॉर्म बना लेगा, लेकिन वो रॉक्स हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो जमीन के अंदर ही बन गई है ना। इन तरह के रॉक्स को हमने बोला है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एंड सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ठीक है। एंड ग्रेनाइट जो होता है एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, ठीक है। और ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन घिसने वाला जो पत्थर होता है वो भी ग्रेनाइट का होता है। तो इग्नियस रॉक्स हमने देख ली, दो तरह की होती है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव जो बाहर आके रॉक बने, एक्सट्रूसिव जो हमारी धरती के अंदर ही रॉक बन जाती है, बाहर नहीं आ पाता जो लावा वो। और यहाँ पे इग्नियस रॉक्स में यहाँ पे बताते हैं कि इग्नियस जो इसका नाम होता है, इसका सॉरी इसका जो लैटिन वर्ड है वो है इग्निस, और इग्निस का मतलब होता है आग। और इन इन पत्थरों को, इन रॉक्स को हमने इग्नियस रॉक्स इसलिए बोला है क्योंकि ये आग से ही बनी है। जो लावा है जो बाहर निकल के आया वो एक तरह का हमारा आग का ही फॉर्म है ना, इसलिए हमने इनको बोला इग्नियस रॉक्स। अब हम आगे देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बताते हैं कि रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो अभी हम जो जो कुछ रॉक्स होती हैं, जब कभी कभी वो क्या होती हैं, टूटने लगती हैं और उन वो थोड़ी छोटी छोटी हो जाती हैं, है ना, कन्वर्ट हो जाती हैं छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल स्मॉल उसके उनके टुकड़े हो जाते हैं रॉक्स के समय के साथ साथ। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना इन रॉक्स के, इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं शुरू में छोटे 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 होते हैं, हवा वगैरह चलती है, पानी बहता है कहीं पर, तो ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है, ये हार्ड होने लगते हैं, ठीक है। दीज
लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, और फिर ये एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाने लगते हैं, और फिर ये धीरे धीरे लेयर बनाते 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 छोटे छोटे रॉक के पीस एक दूसरे के लेयर बनाते 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 एक बहुत बड़ी रॉक का फॉर्म ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल में बोलते हैं जो सैंड स्टोन होता है ये भी ना ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। मतलब आपने रेत देखिए, रेत रेत के दाने कितने छोटे छोटे होते हैं, अब वो छोटे छोटे दाने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आके अगर लेयर बना ले तो वो इतना बड़ा रेत का आपको टुकड़ा मिलेगा पत्थर की तरह, उसको हमने बोला है सैंड स्टोन। ठीक है, तो इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, छोटे से इनकी शुरुआत होती है, एक के ऊपर एक इकट्ठा होती जाती है और बहुत बड़ी रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो रॉक्स होती हैं ये इनके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम, जो कभी उन उन चीज़ों पे रहा करती थी, उन रॉक्स पे कभी रहा करती थी ना, जो प्लांट्स होते थे, जो जानवर होते थे, जो उन पे कभी चला करते थे उन रॉक्स पे बहुत सालों करोड़ों साल पहले। ठीक है, तो उनके फॉसिल्स भी इन रॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ये बताया गया, फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब जब कोई प्लांट मर जाता है, जब कोई एनिमल मर जाता है, तो उसकी उसका जो रिमेन्स होते हैं, मतलब उसका जो बच्चा कुछ जो शरीर का जो भी हिस्सा होगा वो इन रॉक्स की परत के अंदर ही फंस जाता है। ठीक है, और ये रॉक्स के अंदर ही दबे रहते हैं, तो इस तरह की रॉक्स को हमने सेडिमेंट्री रॉक्स बोला है, जिसके अंदर आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स का जो लेटिन वर्ड है वो है कि सॉरी, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका जो लैटिन वर्ड है उसका नाम है सेडिमेंटम, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन, मतलब एक के ऊपर एक छोटे छोटे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, और छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होते होते सालों करोड़ों साल बाद एक बहुत बड़ा रॉक का फॉर्म ले लिया, सेडिमेंट्री रॉक का। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी देख ही लेते हैं। इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है मेटामॉर्फोज, और इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब जब फॉर्म किसी भी पुरानी तरह की जो रॉक है उसकी उसके ढांचे में बदलाव आ जाए तो वो एक तरह का नया रॉक बनाएगा। ठीक है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, ये एक समय के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है अगर उनको ग्रेट हीट का सोर्स मिल जाए या प्रेशर उनको मिले। मतलब अगर इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स को बहुत प्रेशर पड़ जाए उनके ऊपर, या फिर बहुत गर्मी में उनको अपन कर दें, तो वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, काय में मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जैसे कि अगर आप जो मिट्टी होती है उसको आप चेंज कर देते हैं स्लेट में, है ना, और जो लाइमस्टोन होता है उसको आप मार्बल में चेंज कर देते हैं। हमारे घर में जो फर्श होता है वो मार्बल का होता है, अब आपने देखा है मार्बल कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन लाइमस्टोन जो चूना पत्थर होता है ना उसको तो आप अपने हाथ से भी तोड़ सकते हैं, है ना, तो लाइमस्टोन से ही आगे जाके क्या बना है मार्बल, बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर देने के बाद लाइमस्टोन को। उसी प्रकार सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स में भी बहुत प्रेशर जब पड़ता है, बहुत टेम्परेचर जब पड़ता है, तो वो कन्वर्ट जाती हैं और स्ट्रॉन्ग रॉक्स में, जिनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोला करते हैं। आगे देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बाद में, तो सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में हमने देख लिया। फिर यहाँ पे बताते हैं रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होती हैं, और जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनसे हम लोग रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, और जो स्टोन्स होते हैं ना उनको हम कई तरह के गेम्स में खेल लेते हैं। जैसे आपने छोटे छोटे पत्थर से कई गेम्स खेले हैं बचपन में, जिसको यहाँ पे जैसे बताया सेवन स्टोन्स, जिसको हम सितोलिया बोलते थे, कई जगह पे उनको पिट्ठू बोला गया उस गेम को, है ना, हॉप स्कॉच, ठीक है, फाइव स्टोन्स, गिट्टी, तो ये कुछ गेम्स होते जिसमें हम छोटी छोटी रॉक्स को लेके गेम खेला करते थे बचपन में। एंड तो यहाँ पे हमने रॉक्स की तरह तरह की वैरायटी देखी, तीन तरह की मेन रॉक्स देखी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मैं आपको इन सभी रॉक्स की पिक्चर दिखाता हूँ। तो इस पिक्चर में अभी हम जो पिक्चर देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमको दिख रही है इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये है हमारी इग्नियस रॉक। तो ये जो रॉक है ये कहाँ की है, देखिए, हार्डन इग्नियस रॉक्स बीच रॉक्स एट तेनेटी पार्क इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम हमारे इंडिया में एक सिटी है, और विशाखापट्टनम में समंदर के किनारे ये रॉक के कुछ हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो रॉक्स हैं सेडिमेंट्री, सॉरी, ये इग्नियस रॉक्स है, मतलब ये कभी मोल्टन लावा हुआ करता था जो कि क्या हो गया, सूखने के बाद पत्थर का फॉर्म ले लिया उसने, ना, इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बाद हमने यहाँ पे देखा, ये जो अभी आप रॉक देख रहे हैं ना, इस रॉक का नाम हैगा सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जब इकट्ठा हो गए तो उनने एक बहुत बड़ी रॉक का फॉर्म ले लिया, तो वो इस तरीके की जो चट्टानें आपको दिखती हैं इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये कहाँ की है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है ये जो रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स
ऑन द सदर्न कोरोमंडल कोस्ट इन द कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट सदर्न मोस्ट इंडिया। तो हमारे तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट में समुद्र के किनारे आप बोल सकते हैं इस तरह की जो रॉक्स देखने को मिलती हैं, इस तरह के रॉक्स को हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये जो हमारी ये वाली जो रॉक्स है इग्नियस रॉक्स, इससे बिल्कुल अलग है। और देखिए ये जो इग्नियस रॉक्स है ये कितनी छोटी दिख रही है आपको, है ना, लेकिन जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स है देखिए कितनी हाइट भी इनने गेन कर ली, काफी बड़े एरिया में दिख रही है, क्योंकि ये एक के ऊपर एक जब बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स सैंड के जैसे हो गए, जब इकट्ठा हो गए तो सैंड स्टोन बना देते हैं, उसी तरह ये भी किसी ना किसी चीज का जो ग्रेन होंगे छोटे छोटे एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हुए करोड़ों सालों में, और ऐसे बड़ी सी रॉक उनने बना दी। और इसके बाद हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक, और ये जो पिक्चर में ये जो रॉक्स आप देख रहे हैं ये है कि स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड की ये पिक्चर है जो मैंने इंटरनेट से जोड़ी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये कौन सी रॉक्स हैं, ये कभी एक समय में या तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ करती होंगी या तो ये इग्नियस रॉक्स हुआ करती होंगी, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, जब प्रेशर इन पे बहुत ज्यादा पड़ा सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स पे, तो ये रॉक्स कन्वर्ट हो गई। किस तरह की रॉक्स बन गई है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इस तरीके की दिखती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो हमने उसमें जो हमारी क्रस्ट में दो चीज पड़ी थी, एक हमारी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट पड़ी थी, एक हमारी ओशन की क्रस्ट पड़ी थी। मैंने आपको बताया था जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो जमीन वाला हिस्सा है, जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया में रहते हैं, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है हमारी जमीन के अंदर अगर हम खुदाई करें तो जो हमारी क्रस्ट है वो अराउंड है कि 35 किलोमीटर तक, है ना, आगे पीछे भी हो सकती है। तो ये देखिए, और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है मैंने बताया वो तो थी 5 किलोमीटर तक है। तो देखिए ये वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ये आपको ब्लू ब्लू पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारा समंदर है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर का आपको ये जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ये है आपकी ओशनिक क्रस्ट, मतलब क्रस्ट का वो हिस्सा जो ओशन के पानी के अंदर से दबा हुआ है ना, अंदर से आपको जो मिलता है सिर्फ 5 किलोमीटर तक। तो देखिए इसकी हाइट कम है, सिर्फ 5 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, लेकिन देखिए इससे जुड़ा हुआ है हमारा कॉन्टिनेंट का हिस्सा, जिस जमीन, आपको पता है जमीन और समंदर बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, है ना, जब आप मुंबई जाएंगे तो जमीन के थोड़ा आगे आप जाएंगे तो फिर आपको समंदर देखने को मिलता है, तो ये वही चीज है ना। तो ये आपका कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है। तो देखिए इसकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो देखिए कितनी थिकनेस इसमें आपको दिख रही है, ठीक है, हाइट मतलब जो अगर आप देखें तो कितनी ऊंची है, ठीक है, लेकिन जो ओशनिक जो क्रस्ट है वो कितनी कम है, देखिए सिर्फ 5 किलोमीटर, ये है कि अराउंड 35 किलोमीटर इसकी गहराई, ठीक है। और उसके नीचे ये जो आपको ब्राउन कलर से जो शो किया ये आपकी मेंटल है, ठीक है, जो आपकी सेकेंड जो लेयर होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने अलग अलग तरह की जितनी भी रॉक्स होती थी उनके बारे में समझा जाना और उनकी पिक्चर भी देखी हमने, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में अब आ चुका है, ठीक है। और हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट को भी समझा एक डायग्राम की हेल्प से, कि ओशन वाली क्रस्ट छोटी है मतलब थिकनेस कम है और कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट काफी मोटी है, लेकिन दोनों मिलकर हमारी अर्थ का क्रस्ट का ही फॉर्मेशन करती है। अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे रॉक साइकिल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे बुक हमसे ऐसा कहती है कि हम सब सरप्राइज हो जाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि आज अगर कोई एक रॉक है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद वो वैसी ना दिख के अलग तरीके से दिखेगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल, मतलब हमारी रॉक भी कन्वर्ट हो रही है समय के साथ साथ, कभी सेडिमेंट्री रॉक थी, कभी इग्नियस रॉक्स थी, कभी मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई, कभी वापस से लावा बन गई, कभी लावा से रॉक बनी थी, तो एक साइकिल यहाँ पे कन्वर्ट एक साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको अभी मैं आपको शो करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जमीन के अंदर से लावा बाहर निकला, ठीक है, ये मैग्मा बाहर आया, इस मैग्मा से बनता है पहले इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के बाद आपके इग्नियस रॉक्स के मान लीजिए टुकड़े हो गए, छोटे छोटे सेडिमेंट्स में हो गए, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के टुकड़े एक दूसरे की फिर से लेयर बनाते हैं और फिर बड़ी एक रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स अभी हमने पिक्चर में देखी थी। सेडिमेंट्री रॉक्स पे अगर बहुत टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए हमारी अर्थ का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स को अगर और गर्म कर दिया जाए, हम तो नहीं कर सकते, हमारी अर्थ का टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे कभी कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो सदियों के बाद सालों करोड़ों सालों के बाद मेटामॉर्फिक रॉक और गर्म अगर होगी तो वापस से वो बन जाएगी मैग्मा, फिर से क्या होगा, सर्दी पड़ी मान लीजिए हमारी अर्थ पर तो मैग्मा बाहर निकला है, मैग्मा वापस से इग्नियस रॉक बन जाएगा, फिर सेडिमेंट, फिर सेडिमेंटरी रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, वापस से मैग्मा, और ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। तो यहाँ पे यही सब हमको बताया गया है, ठीक है, कि जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर जो पिघला पिघला जो हमारी रॉक्स है, जितनी भी पिघली हुई रॉक्स है, जब वो पिघल के बाहर आती हैं तो वो लावा बन जाती हैं, फिर वो सूख जाती हैं,
इग्नियस रॉक्स बना देती हैं। फिर इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं, टूट जाती हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है, और हवा के साथ पानी के साथ अलग अलग हमारी पृथ्वी में फैल जाती हैं। फिर वो आगे जाके बनाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर एक टाइम के बाद इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों क्या होती हैं, जब उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी का असर होता है, प्रेशर का असर होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। फिर आगे बताते हैं कि जब मेटामॉर्फिक रॉक वापस से बहुत गर्मी उसको मिलती है, प्रेशर उसको मिलता है, तो वो फिर से पिघल जाती है, वो वापस से बन जाती है मोल्टन मैग्मा, वापस से वो लावा बन जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारी एक रॉक साइकिल कंप्लीट होती है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स बहुत तरह तरह के मिनरल्स है ना, हमारी रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। एंड मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, हम नहीं बनाते, हमारे को हमारी कुदरत से ही मिलते हैं, ज़मीन के अंदर मिनरल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो केमिकल कंपोजिशन होता है इन मिनरल्स का, वो काफ़ी अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो कैसे दिखते हैं, वो कितने स्ट्रांग है, वो नरम है कि वो कड़क है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। केमिकल कंपोजिशन में आप बोल सकते हैं केमिकली वो कैसे हैं, ठीक है, केमिकल्स उनमें कौन कौन से केमिकल्स हैं मिल जाते हैं हमको, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, हम ईंधन की तरह भी इनको यूज़ करते हैं। एग्जांपल में जो कोल है, हमारी अर्थ के अंदर से हम जो कोयला निकालते हैं, तो वो कोयला क्या है, वो एक मिनरल है, लेकिन उस मिनरल को हम कैसे यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह, ठीक है। उस कोयले को आप जलाओगे तो वो आपको आग आग देगा, ठीक है, उस आग से आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। और नेचुरल गैस भी आपको हमारी अर्थ के अंदर देखने को मिलती है, उससे भी आप बाहर निकाल लेते हो, उसको आप गाड़ियों में आजकल आपने देखा होगा नेचुरल गैस की हेल्प से गाड़ियों में पेट्रोल ना यूज़ करके गैस भरवा के भी हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं। CNG बोलते हैं जिसको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिल्ली वगैरह में ज़्यादातर जो ऑटो हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो CNG पे चलते हैं ताकि पॉल्यूशन भी कम हो, है ना। पेट्रोल तो आपको पता ही, ये भी हमारा एक मिनरल में आ जाता है, ठीक है, ये भी धरती के अंदर से निकालते हैं हम लोग ताकि हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं जिससे। और इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मिनरल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड है, यूरेनियम है, एट्सेट्रा, ठीक है। और इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स, तो अर्थ के अंदर से तरह तरह के जो मिनरल्स हैं उनकी तो हम तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो हम खेत में डालते हैं ताकि हमारे खेत में जो फसल है उसमें कीड़े ना लगें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिनरल्स से बनती हैं। जो मिनरल्स हमको कौन देता है, हमारी पृथ्वी प्रोवाइड करती है। कहाँ से मिलता है ये मिनरल्स, हमारी अर्थ की क्रस्ट में हमको ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। मेंटल तक तो आप जा नहीं सकते, कोर तक भी आप नहीं जा सकते, क्रस्ट के आप शुरू शुरू में ऊपर थोड़ा सा आप गड्ढा खोद चुके हैं, 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, उससे ज़्यादा आप अभी खोद भी नहीं पाए, वहाँ से आपको सब मिनरल्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ई अनंत।